अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एसटीए 630 की असाइनमेंट का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मैंने कल पार्ट वन अपलोड किया, आज इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग, हर एक स्टेप को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्कीमेटिक डायग्राम क्रिएट करनी है, डिपेंडेंट डिपेंडेंट मॉडरेटर और मॉडरेटिंग वेरिएबल्स को क्रिएट करना है। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं आप लोगों को बताता हूँ। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे y डिपेंड कर रहा है x पे, x को वैल्यू देंगे y में आंसर आएगा। सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x को वैल्यू दिया 1, y में आंसर आ गया 1, x को वैल्यू दिया 2, y में आंसर आ गया 4, y डिपेंड कर रहा है x पे, y को वैल्यू देंगे x में आंसर आएगा, तो x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ में आते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले स्कीमेटिक डायग्राम हमने कैसे क्रिएट करनी है, मैं उस पर आता हूँ। देखिए स्कीमेटिक डायग्राम के लिए हमें तीन चीजें होना जरूरी हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल होते क्या हैं? ऐसे वेरिएबल जो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान जो रिलेशन है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो अब पैराग्राफ में आता हूं, जस्ट आपको मैं मेन पॉइंट ही बताऊंगा, हमें पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से ही हमारा सारा आंसर है। देखो यहाँ पे बामी रवाबत की शिद्दत, ठीक है, तालुकात की शिद्दत, बामी रवाबत और जो फर्मी सतह पर जो तालुकात की गहराई और लंबाई वो किस चीज पर डिपेंड करी है? इलम, जो पार्टिसिपेटिंग फर्म्स है उनमें जो इलम का हसूल है, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये यहाँ पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट है किसमें? पार्टिसिपेटिंग फर्म के इलम के हसूल, ठीक है, इलम का जो उनके दरमियान इलम का हसूल है उसके दरमियान नॉलेज एक्विजिशन है, उसके दरमियान जो पार्टिसिपेटिंग फर्म के दरमियान नॉलेज एक्विजिशन है, ठीक है, तो उस पे ये सारी चीजें क्या है, डिपेंड कर रही हैं, क्योंकि कहता है उसका इफेक्ट है इन चीजों पे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, फर्मी सतह पर तालुकात की गहराई, लंबाई, बामी रवाबित, किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं? इल्मी हसूल पर डिपेंड कर रहे हैं जो पार्टिसिपेशन फर्म्स के दरमियान है, ठीक है। तो यहां से डिपेंड, ये चीज क्या है, इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट है, मैंने यहीं से उठा के लिख दिया, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लिख दिए, तो यहां से इरेज कर दो। अब आती है बात के स्कीमेटिक डायग्राम कैसे क्रिएट करनी। स्कीमेटिक डायग्राम में यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल कैसे निकाले हैं? मॉडरेटिंग वेरिएबल आगे है, ठीक है, कहता है जो कम्युनिकेशन क्वालिटी है, ठीक है, रवाबित की जो क्वालिटी और प्रीसीव्ड फेयरनेस है वो क्या है? उसका मेडिएटिंग इफेक्ट है। मेडिएटिंग इफेक्ट मतलब यहाँ से जाहिर हो गया मॉडरेटर वेरिएबल है टुवर्ड्स द रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज एक्विजिशन, स्ट्रेंथ हो, यही से मैं आपको बता चुका हूं कि ये इसका इन्फ्लुएंस करता है उनके इफेक्ट को, इसका इफेक्ट है उन पे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो यहां से ये भी हमारे पास मेडिएटिंग वेरिएबल आ गया। तो ये तो होती है हमारी स्कीमेटिक डायग्राम कंप्लीट, यहां पे लिख लो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटर या मॉडरेटिंग या इंटरव्यूइंग वेरिएबल, ये तो होती है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर टू में हमने टारगेट पॉपुलेशन निकाल ली थी, ठीक है, सैंपल साइज 300 था, सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक थी। अब यहां पे लॉन्गिट्यूडनल टाइम क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है। लॉन्गिट्यूडनल टाइम ऐसा टाइम होता है जिसमें पास्ट की रिसर्च करते हैं, पास्ट में जो रिसर्च हो चुकी है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहां पे अब आपने लॉन्गिट्यूडनल टाइम की डेफिनेशन अपने से लिखनी है, नेट से सर्च कर लो, यूट्यूब सर्च कर लो, ये आपके लिए मैं टास्क छोड़ रहा हूं। तो असाइनमेंट होती है कंप्लीट, तो इसमें कोई अगर मिस्टेक है कोई तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग ये करेक्ट असाइनमेंट है। इन केस अगर कहीं मुझे लगेगा कि इसमें कोई अमेंडमेंट है, अभी काफी दिन है तो मैंने काफी रिसर्च की है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये करेक्ट है, ठीक है, लेकिन आप लोग लास्ट टू डेज में ही अपलोड करिएगा तो मजीद मुझे कंफर्म हो जाएगा, मजीद स्टूडेंट्स अपलोड करेंगे तो मजीद मुझे कंफर्म हो जाएगा कि असाइनमेंट करेक्ट है। लॉन्गिट्यूडनल टाइम की डेफिनेशन आपने खुद लिखनी है और काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि मैं असाइनमेंट की तरह और असाइनमेंट में मजीद 100% करेक्ट आपके लिए लेके आऊं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।